पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नासिंग रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क के बारे में बताएंगे जिसने एक ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है जिससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये कौन सा इस्लामी मुल्क है और इसने कौन सा कारनामा सरंजाम दिया है, ये सब बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर ईरान के बारे में बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, ईरान ने हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर के अलावा एंटी एयर मिसाइल सिस्टम पर मुश्तमिल एक बैरी बेड़ा बना लिया है जिससे अमेरिका, रूस और दूसरे यूरोपीय मालिक बहुत परेशान होकर रह गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ईरान ने ऐसा चौंका देने वाला काम किया हो, बल्कि इससे पहले भी ईरान ने अमरीका के F-22 रैप्टर के मुकाबले पर एक त्यारा बनाया था। लेकिन इसमें कुछ कमियों और खामियों की वजह से इसे दोबारा तैयार किया जा रहा है। ईरान के पास अगरचे बहुत कम मिसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने त्यारा बरदार बैरी बेड़ा बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। इस बैरी बेड़े में रॉकेट लॉन्चर्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन ले जाने की सलाहियत है। ईरान ने यह बैरी बेड़ा इस कदर खामोशी से तैयार किया कि किसी को कानों कान खबर न हुई। ईरान ने पासदाराने इनकलाब के मुकूल कमांडर अब्दुल्ला रोगी की एक बैरी त्यारा बरदार बेड़ा बना लिया है। ये जंगे जहाज जमीन से जमीन तक वार करने वाले मिसाइलों, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के अलावा इन चार कश्तियों पर मुश्तमिल है जो पारस दराने इनकलाब के सिपाही मकबूल के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तहकीक के मुताबिक इसकी लंबाई 150 मीटर है। ये त्यारा देखने में तो अमरीका या दूसरे ममालिक के त्यारों की तरह हो, लेकिन उनसे छोटा है। लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इस बैरी बेड़े में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए एक पैड मौजूद है। इस बेड़े ने ईरान की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। कुछ साल पहले ईरान ने अमेरिका के F-22 रैप्टर के मुकाबले में एक फाइटर जेट बनाया था। अगर आप लोग इसके बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में मालूम फ्राम कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ईरान की दुआ को जरूर करें कि ईरान इसी तरह कामयाबियां हासिल करता रहे और मुस्लिम मालिक और मुस्लिम दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम लेकर सामने आए, और जो भी इस्लाम दुश्मन हैं इनको इसी तरह इजाब मिलता रहे और पाकिस्तान, ईरान और तुर्की मिलकर इनका मुकाबला करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगेबान।